हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोंटी सिंह है और मैं आपको आज अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मेरे हाथ में आप बुक देख सकते हैं, ये बुक है मेरे हाथ में, बेंजामिन ग्राहम द बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, इस बुक के बारे में आज मैं बात करूँगा। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है शेयर बाजार की बुनियादी बातें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर जग्न सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का कारोबार होता है। प्राथमिक बाजार वह जगह है जहां कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में आम जनता को शेयर देती है। यह स्टॉक एक्सचेंज से अलग है क्योंकि इसमें देश के सभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। उदाहरण के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, स्टॉक मार्केट आज ऊपर था या स्टॉक मार्केट आज डबल नीचे था। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक संगठित बाजार है या तो निगम या आपसी संगठन है जहां संगठन के सदस्य कंपनी स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए एकत्रित होते हैं। सदस्य अपने ग्राहक के लिए या अपने स्वयं के खातों के लिए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आय और लाभांश के भुगतान सहित प्रतिभूतियों और वित्तीय संसाधनों के मुद्दे और मोचन के लिए भी सुविधा प्रदान करता है। एक एक्सचेंज पर व्यापार केवल सदस्यों द्वारा होता है और स्टॉक ब्रोकर के पास एक्सचेंज पर एक सीट होती है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम, स्टॉक मार्केट का इतिहास क्या है। लंदन में पहला स्टॉक एक्सचेंज आधिकारिक तौर पर 1773 में बनाया गया था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से 19 साल पहले बना था, जबकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE को शेयर्स को प्रतिबंधित करने वाले कानून द्वारा हथकड़ी लगा दी गई थी। न्यूयॉर्क एक्सचेंज ने अपने अपना के बाद से बेहतर या बदतर के लिए स्टॉक के कारोबार में निपटा दिया है। NYSE अमेरिका में पहला स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, हालांकि यह सम्मान फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, लेकिन यह जल्दी से सबसे शक्तिशाली बन गया। एक बटनवुड ट्री की फैलती हुई दलाली के तहत दलालों द्वारा गठित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने वॉल स्ट्रीट पर अपना घर बनाया। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आने वाला और जाने वाला सभी व्यापार और व्यापार के साथ अधिकांश बैंकों और बड़े निगमों के लिए घरेलू आधार था। लिस्टिंग आवश्यकता को निर्धारित करने और फीस की मांग करने से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक बहुत बड़ा अमीर संस्था बन गया। NYSE को अगली दो शताब्दियों के लिए बहुत कम गंभीर घरेलू प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर बढ़ी और वह जल्दी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज बन गया। इसी अवधि के दौरान NYSE में भी उतार चढ़ाव का हिस्सा था। ग्रेट डिप्रेशन के से वॉल स्ट्रीट की 1920 की बमबारी में सब कुछ एक्सचेंज पर छोड़ दिया गया। 1920 बम विस्फोट में 38 लोग मारे गए और वॉल स्ट्रीट की कई प्रमुख इमारतों पर शताब्दी निशान छोड़ गए। एक्सचेंज पर कम शताब्दी निशान सख्त लिस्टिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के रूप में आया था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर लंदन यूरोप के लिए प्रमुख विनियम के रूप में उभरा, लेकिन कई कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचीबद्ध करने में सक्षम थी अभी भी न्यूयॉर्क में सूचीबद्ध है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई अन्य देशों ने अपने स्वयं के स्टॉक एक्सचेंज विकसित किए, लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर घरेलू कंपनियों के लिए आधार साबित करने के रूप में देखा गया, जब तक कि LSE की ओर छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हुए। वहां से NYSE की बड़ी लीग की ओर कमजोर लिस्टिंग नियमों और कम करोड़ सरकारी विनियम के कारण इनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज अभी भी खतरनाक क्षेत्र के रूप में देखे जाते हैं। शिकागो, लॉस एंजिलस, फिलाडेल्फिया और अन्य प्रमुख केंद्रों में स्टॉक एक्सचेंजों के अस्तित्व के बावजूद NYSE घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सबसे शक्तिशाली स्टॉक एक्सचेंज है। 1971 में हालांकि NYSE आधिपत्य को चुनौती देने के लिए एक अपस्टार्ट उभरा। भारतीय शेयर बाजार का इतिहास देखते हैं। भारतीय शेयर बाजार एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजारों में से एक है। यह 18वीं सदी
के करीब का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण प्रतिभूतियों को लेन देन करती थी। 1880 के दशक में बैंक और कॉटन प्रेस में कॉर्पोरेशन स्टॉक और शेयरों पर व्यापार बंबई में हुआ। हालांकि व्यापार व्यापक था लेकिन 1840 और 1850 के दौरान दलालों की संख्या मुश्किल से आधा दर्जन थी। 22 स्टॉक वॉक्स के लिए के एक अनौपचारिक समूह ने 1850 के दशक मध्य में बॉम्बे के टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे व्यापार करना शुरू किया। प्रत्येक एक रुपए की तत्कालिक रियासत पे निवेश करता था। यह बरगद का पेड़ अभी भी मुंबई के हारमेन सर्कल पार्क में स्थित है। 1807 में 60 दलालों के साथ विनिमय हुआ। वास्तव में भारत की शेयर उन्माद की शुरुआत अमेरिकी गृह युद्ध में हुई और अमेरिका से लेकर यूरोप तक कपास की आपूर्ति बंद हो गई। अन्य दलालों की संख्या बढ़कर 250 हो गई। स्टॉक ब्रोकर्स और अनौपचारिक समूह ने खुद को द नेटिव शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में संगठित किया, जो 1875 में औपचारिक रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के रूप में आयोजित किया गया। BSE के टाउन हॉल के पास एक पुरानी इमारत में स्थानांतरित कर दी गई। 1928 में जिस भूमि पर BSE भवन खड़ा था अब मुंबई में दलाल स्ट्रीट, बॉम्बे समाचार मार्ग और हमाम स्ट्रीट के चौराहे पे उस भूखंड पे अधिग्रहण किया गया और 1930 में एक भवन निर्माण और कब्जा कर लिया गया। प्रेमचंद रायचंद उस समय के एक प्रमुख स्टॉक ब्रोकर थे और उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के व्यापार के लिए परंपराओं, सम्मेलनों और प्रतियालाओं को स्थापित करने की सहायता की और अभी भी उनका पालन किया जा रहा है। मुंबई में कई स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म परिवार चलाने वाले उद्यम हैं और परिवार के प्रमुख के नाम पर रखे गए थे। निम्नलिखित एक्सचेंजों के कुछ शुरुआती सदस्यों की सूची है जो अभी भी अपना व्यवसाय चला रही है। DS प्रभुदास एंड कंपनी अब DSP के रूप में जानी जाती है और मेरियल लिच के साथ एक संयुक्त उद्यम भागीदार है। जमन्ना दास मोराजी अब JN के रूप में जाना जाता है। चंपक लाल देवीदास अब सिफको फाइनेंस कहलाते हैं। ब्रजमोहन लक्ष्मी नारायण 1956 में भारत सरकार ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के तहत देश में पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी। BSE के इतिहास में सबसे निर्णायक अवधि 1992 के बाद हुई। हर्षद मेहरा नामक एक BSE सदस्य को शामिल करने के लिए बाजार में हेरफेर के साथ एक बड़े घोटाले के बाद BSE ने सुधार के लिए हाल कॉल का जवाब दिया। BSE द्वारा फूड ड्रैगिंग ने सरकार की स्थिति को कट्टरपंथी बनाने में मदद की, जिससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण किया। NSE ने 4 नवंबर 1994 को कारोबार शुरू किया। एक साल से भी कम समय के भीतर NSE का कारोबार BSE से अधिक हो गया। BSE तेजी से स्वचालित है लेकिन यह NSE स्पॉट मार्केट टर्नओवर को कभी नहीं छुपाया। BSE ने में दूसरी रणनीति विफल आगामी 2 वर्ष में आई। NSE ने इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत की। BSE ने एक दोस्ताना सेबी अध्यक्ष DR मेहता के साथ इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के को अनुरोध करने के उद्देश्य राजनीतिक प्रयासों से जवाब दिलवाया। BSE और DR मेहता इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के शुरुआत में लगभग 5 साल की देरी में से सफल रहे लेकिन इस व्यापार और स्टॉक बाजार के साथ रोलिंग निपटाने के लिए बदलाव 2002 और 2021 में साथ लाया गया। BSE ने एक और बड़े घोटाले में तत्कालिक राष्ट्रपति श्री आनंद राठी शामिल थे। NSE के इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की भागदौड़ में लगभग 100% मार्केट शेयर किया। इस प्रकार BSE को स्पष्ट रूप से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। आज NSE में इक्विटी स्टॉक टर्नओवर को लगभग 66% और इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर का लगभग 100% है। स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां खरीदार और विक्रेता प्रतिभूतियों में लेन देन करने के लिए मिल जाते हैं। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक मुख्य बाजार और सेकेंडरी मार्केट। कल अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आज के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।